पाकिस्तान से आज बड़ा ही दिल दहला देने वाला खबर आया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन शुक्रवार को कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। पीआईए की फ्लाइट PK8303 लाहौर से कराची आ रही थी। एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर दूरी पर और लैंडिंग से चंद मिनट पहले इंजन फेल हो गया। उसमें आग लग गई और जिन्ना एयरपोर्ट पहुँचने ही वाला था कि उससे पहले वह क्रैश हो गया। प्लेन में 91 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 51 पुरुष, 31 महिलाएं और 9 बच्चे भी शामिल थे। अधिकारियों ने अब तक 57 मौतों की पुष्टि की है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई होगी। इनमें से 5 साल का एक बच्चा और एक सीनियर जर्नलिस्ट अंसारी नकवी भी शामिल हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं है कि सभी शव यात्रियों के हैं या फिर इनमें से कुछ कॉलोनी निवासी भी हैं। अधिकारियों में विमान सवार 2 यात्री, बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद और जुबैर के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हादसे पर कहा कि हादसे से दुखी हूं, पर अभी हमारी प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य हैं। राहत कार्य से बचे कई लोगों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। कई लोगों को राहत कार्य में बीच बचाव करते हुए देखा गया। प्लेन क्रैश होने के बाद वहां के स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में लगे हुए दिखाई दिए। साथ ही एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें प्लेन किस प्रकार से क्रैश हुआ है वह पूरी तरह से दिखाया गया है। एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यह वीडियो प्राप्त हुआ है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जो मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने क्या कहा सुनिए। 8303 अप्रोच। जी सर, अपीयर्स टू बी टर्निंग लेफ्ट। फ्रॉम द वेल वी आर प्रोसीडिंग दैट सर, वी हैव लॉस्ट इंजन। कंफर्म यू आर कैरिंग आवर बेली लैंडिंग। रनवे अवेलेबल टू लैंड एट 25। रोजर, वी आर मेड ए मेड ए मेड ए पाकिस्तान 8303। पाकिस्तान 8303 रोजर सर, बोथ रनवेज अवेलेबल टू लैंड। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदना पाकिस्तान के लोगों के प्रति प्रकट की। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें। हादसे के बाद पीआईए के चेयरमैन एवं एयर मार्शल हादसे के बाद एयर मार्शल एवं पीआईए चेयरमैन अरशद मलिक ने क्या कहा सुनिए। रहमान रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे इस्टेब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप ये लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइट पर पहुंचने वाला हूँ। अल्लाह ताला हामी नासिर हो और मेरी दिली हमदर्दियां उन कीमती जानों को जिनको आज हमने, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।